एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं। अब इसके बाद प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों मौसो और लौसो ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मौसो गुना लौसो है। यानी सबसे पहले हमको निम्नलिखित संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करना है, फिर हमको ये सूत्र जो इसका होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF उसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप एक रफ पे समझेंगे LCM और HCF कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्या दी हुई है, एक 4 है और एक 6 है, इस दोनों का LCM और HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 4 का गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 का, तो 4 का हो जाएगा 2 गुना 2। फिर इसी तरह 6 का तोड़ेंगे तो 6 का हो जाएगा, 6 को यदि तोड़ेंगे हम तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 का हो जाएगा 2 गुना 3। यदि HCF हमें निकालना है, HCF हमें निकालना है, तो जैसे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इस दोनों 2 के बदले सिर्फ 1 2 लिखेंगे, तो HCF इसका ओनली 1 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, यानी 2 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, यानी इस दोनों 2 के बदले 1 2 लिखेंगे, और बाकी 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो सिर्फ इसका 2 होगा। और LCM जो निकालेंगे, LCM, तो LCM में क्या करना है, ले लो LCM में सबको लेना होता है, तो इस दोनों 2 के बदले 1 2 लिखाएगा, और उसके बाद 1 2 ये बच गया तो उसको भी लिखना है, फिर यहाँ 3 बच गया उसको भी लिखना है, तो 2 दुना 4, 4 तिया 12, तो इसका जो LCM हुआ वो हुआ 12। ये क्या हो गया? 12 हो गया। तो LCM 12 हुआ, HCF क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसके बाद एक चीज और समझे हम कि संख्या दिया हुआ है 6 और 4, तो एक सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 6 गुना 4 ये जो बराबर होगा मेरा, तो HCF क्या है? 2, और LCM क्या है? 12, यानी ये दोनों बराबर होगा। तो देखिए 6 चक 24 और 12 दुना 24, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुना LCM के बराबर होता है। इस दोनों को हमको इसमें प्रूफ करना है। सबसे पहले LCM निकालना है और उसके बाद फिर HCF निकालना है, फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो संख्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 में है 26 और 91, 2 में है 510 और 92, और 3 में है 336 और 54। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हल, संख्या क्या दिया हुआ है 26 और 91, है, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम 26 और फिर यहां पर 91 लिखेंगे, और इसका फिर गुणनखंड हम एक रफ में तोड़ेंगे, ये रफ में करेंगे। 26 का यदि हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 26 2 से हो जाएगा 13, और फिर 13 एकम 13, तो फिर इसको हम यहां पे लिख देंगे 26 को 2 गुना 13। अब फिर 91 का यदि तोड़ते हैं तो 91 का होगा 2 से नहीं होगा, तो 91 का होगा 13 सत्ते 91 होता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 7 गुना 13, 13 एकम 13, तो 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। अब हमको इस दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 26 और 91 का HCF, 26 और 91 का HCF, और फिर यहां लिखेंगे 26 और 91 का LCM,
26 और 91 का पहले HCF निकालना है, तो देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इस दोनों 13 के बदले सिर्फ 13 लिखाएगा यहां पर। और अब LCM ज्ञात करना है, तो इस दोनों 13 के बदले एक 13 लिखाएगा और 2 और 7 दोनों लिखाएगा, 2 गुना 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91 और 91 दूना 182 होगा, कितना हो जाएगा 91 दूना 182। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो 182 आपका आएगा। तो ये मेरा LCM निकल गया और ये HCF निकल गया। फिर इसको हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM गुना HCF होता है। तो इसको जांच करना है तो हमको सबसे पहले सूत्र को जांच लिखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है LCM गुना HCF, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या क्या है, एक 26 है और 91 है, 26 गुना 91, और LCM और HCF हम निकाल चुके हैं। तो LCM क्या है 182 गुना HCF क्या है 13, यानी इस दोनों को यदि हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो है यदि बराबर आ जाए तो ये मेरा सत्य है कथन। तो अब हम 26 और 91 को सबसे पहले गुना कर लेते हैं। तो यदि 26 और 91 को गुना करिएगा तो 26 के 26, 9 के 54 के 4 हासिल 5, और 9 दूना 18 5 23, 6 के 6 6 के 6 23 के 23, 2366 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2366। अब आगे 182 और 13 को सॉल्व करेंगे। तो यदि 182 और 13 को आप सॉल्व करिएगा, देखिए 182 गुना 13, 3 दुना 6 8 24 के 4 हासिल 2 3 2 5, और फिर यहां पर लिख देंगे 182, 6 के 6 लिख देंगे, फिर 6 के 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, ये भी मेरा 2366 आ गया। फिर इसी को यहां पर हमको लिखना है 2366। तो दोनों साइड मेरा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है LCM गुना HCF, ये मेरा सही हो गया। तो अब हम यहां पर लिख देंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, या लिख सकते हैं हम प्रूफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। अब अगला प्रश्न है दो नंबर में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दो नंबर में है 510 और 92। तो सबसे पहले इसको फिर एक रफ में हम 510 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो यदि 510 को तोड़िएगा आप तो लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 दुना 4 और ये 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 255 हो जाएगा। फिर इसको यदि आप तोड़ेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 8 24, 3 5 15। अब फिर ये कट जाएगा कितना से, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 17 5 85, फिर ये 17 के 17। तो 510 को हम यहां पे लिख सकते हैं, 510 का गुणनखंड जो है इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब फिर हमको 92 का तोड़ना है, 92 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे यदि, तो 92 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से टूटेगा 2 दूना 4, 2 3 6 23 आ गया, फिर 23 के 23 हो जाएगा। तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23। तो ये मेरा गुणनखंड तोड़ दिए। अब इसमें से जो कॉमन होगा तो यहां पे लिखेंगे फिर 510 और 92 का
HCF फिर लिखेंगे 510 और 92 का LCM। अब HCF क्या होगा जो दोनों में कॉमन है, तो दो एक इसमें है एक इसमें है, तो इस दोनों दो के बदले एक दो लिखाएगा, फिर गुणा का निशान, फिर उसके बाद देखते हैं कि दो इसमें नहीं है, तीन इसमें नहीं है, अच्छा फिर देखते हैं कि 23 इसमें नहीं है, पांच इसमें नहीं है, तो गोया कि ये सिर्फ क्या होगा इसका HCF जो होगा दो होगा। अब LCM में क्या करना है कि दोनों दो के बदले एक दो लिखाएगा, फिर उसके बाद इस ये तीन भी लिखा जाएगा, तीन फिर पांच लिखा जाएगा, पांच लिखाने के बाद 17 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद इस दो के इतना लिखा गया, दोनों दो के बदले एक दो लिखाएगा, उसके बाद फिर दो लिखेंगे, फिर उसके बाद 23 लिखेंगे। LCM में आप याद रखेंगे ट्रिक कि ले लो सबको, यानी सबको लेना है मगर जो कॉमन है उसमें से एक ही लिखाएंगे, यानी ये दोनों के दो के बदले सिर्फ एक दो लिखाएगा, बाकी जितना सब सिंगल सिंगल है सबको ले लेंगे। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 23460 आएगा, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 23460 होगा। तो 23460 मेरा क्या हो गया, LCM हो गया। अब फिर इसको हम जांच करेंगे, जांच करेंगे वही दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर LCM गुना HCF। दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो LCM गुना HCF होगा। तो दो संख्या क्या क्या है, तो एक है 510, दूसरा 92। तो लिखते हैं 510 गुना 92 बराबर, फिर लिखते हैं एक जो HCF निकला दो, और LCM जो निकला है वो है 23460। 23460 यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 510 और 92 को हम सॉल्व करते हैं, यहां पर 510 92 जीरो, दो एकम दो, दो पंचे दस, और फिर ये जीरो हो जाएगा, नौ एकम नौ, नौ पांचे पैंतालीस, नौ पांचे पैंतालीस, तो जीरो के जीरो, दो के दो, नौ के नौ, छः के छः हो, चार के चार हो, ये हो गया मेरा 46920। कितना आ गया, 46920, 46920, यानी 510 और 92 को गुना किए तो 46920। अब इसी तरह यदि हम इसको गुना करते हैं 23460 को, तो अगला क्या है, 23460 गुना दो, इसको दो से गुना करते, जीरो के जीरो, छः दुना बारह के दो, हासिल एक, चार दुना आठ एक नौ, फिर ये हो जाएगा तीन दुना छः, ये दो के दो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दो दुना चार, दो दुना चार, तो 46920 आ गया इधर भी, तो ये भी हो गया मेरा 46920, तो ये प्रूफ हो गया, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। अब हम चलते हैं अगले संख्या की तरफ जो कि तीन नंबर दिया हुआ है, अगला संख्या है मेरा 336 और 54। तो इसका सबसे पहले हमको गुणनखंड तोड़ना है, तो सबसे पहले हम तोड़ते हैं 336 को, 336 को तोड़ेंगे तो लास्ट में 6 है, तो इसलिए ये 2 से टूट जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 12, तो 12 का 2 छक्के 12, फिर ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है, उसके बाद फिर 2 से क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से क्योंकि लास्ट में 2 है, ये 4 है, तो लास्ट में 4 है तो 2 से टूट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं होगा, अब ये होगा 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब इस पूरे फॉर्मेट को हमको यहां पर सजा देना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 को 2 है गुना 2, फिर इसको गुना लिखना है 3
गुना सात, ठीक है। अब उसके बाद फिर 54 को हमको सजाना तोड़ना है, तो 54 को यहां लिख सकते हैं 54। 54 को यदि तोड़ेंगे तो लास्ट में 4 है, तो 2 से टूट जाएगा, 2 दुना 4, 2 सत्ते 14, फिर ये हो जाएगा 27। तो आप 3 से, तो 3 नवा 27, फिर ये 3 से हो जाएगा, और ये फिर 3 एकम 3। इस पूरे को फिर हमको लिख देना है यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और इस पूरे को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7। और इस पूरे को लिख सकते हैं 2 गुना 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। अब इसमें HCF जो है, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें, इस दोनों 2 के बदले 1 2 लिखाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 2 गुना, अब 2 इसमें है 2 नहीं है इसमें, 3 इसमें है 3 इसमें भी है, तो गुना 3। फिर उसके बाद ये 3 इसमें और 3 उसमें नहीं है, 7 इसमें है 7 इसमें नहीं है, इसलिए बस इतना ही HCF होगा, तो 2 3 6, ये मेरा HCF हो गया। अब LCM में क्या करना है हमको, इस 2 ये 2 तो लिखाएगा ही 2 गुना 2, उसके बाद फिर ये पूरा 2 लिखा जाएगा, ये वाला 2 तो लिखा गया, ये 2 1 2 3 वो भी लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद फिर 3 है इसमें 3 इसमें भी है, तो इस दोनों 3 के बदले 1 और 3 लिखाएगा, दोनों 3 के बदले 1 3 लिखाएगा। उसके बाद फिर गुना 7, तो ये 1 2 1 3 तो लिखा चुका, फिर 2 2 को 3 रह गया, तो उसको फिर यहाँ पे लिख देंगे गुना 3 गुना 3। अब इस पूरे को आप यदि सॉल्व करिएगा, हमने इसको सॉल्व करके रख लिया है, तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3024, कितना आएगा 3024। आप इसको जरूर एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये मेरा LCM हो गया, ऊपर वाला HCF हो गया। अब इसको हमको जांच करना है, तो यहां लिखेंगे जांच, जांच में क्या लिखेंगे, फिर वही लिखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, बराबर होता है LCM गुना HCF। तो 2 संख्या क्या क्या है, मेरे पास एक है 336 गुना 54 बराबर HCF क्या है मेरे पास 6 गुना LCM क्या आया 3024। यदि आप इस पूरे को गुना करिएगा तो ये पूरा आता है, ये वाला आप देख लीजिएगा 18144, और ये वाला भी उतना ही आता है 18144। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रूफ। ये आपका प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 के जितने भी क्वेश्चन थे 1 2 3 सबको यहां पे सॉल्व किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी से यदि आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप भी अच्छे से अच्छे मैथ में अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उसको दाबकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।